गाइस, तो स्वागत है आपका आज का हमारी इस वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम शुगर का डेंसिटी टेस्ट करने वाले हैं और आई होप कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, आपको इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे शुगर है और ये लिक्विड फूड कलर है, और कुछ चार कटोरी चाहिए और हमें एक गिलास चाहिए। आप चाहे तो पाँच भी ले सकते हैं, कि मैं इस वीडियो में केवल चार कलर यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने चार कटोरियाँ ली। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें शुगर डालनी है इन चारों कटोरियों के अंदर। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहली जो कटोरी है उसको हमें खाली छोड़ना है, बाकी इस कटोरी में हमें दो चम्मच शुगर डालनी है। और अब हमें गर्म पानी लेना है और इसमें पानी डालना है। तो अब हम इनमें गर्म पानी डालेंगे ताकि शुगर जो है अच्छी तरह से बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए। और अब हम थोड़े इनको मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से शुगर डिसॉल्व हो जाए इसके अंदर। तो भाई, आप देख सकते हैं कि इन तीन में शुगर है और इसमें शुगर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम फोटो डालेंगे इसके अंदर। तो गाइस, आई थिंक कि आपको ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस, सबसे नीचे जो है हमारा रेड कलर है, फिर इसके ऊपर येलो कलर है, और ये कलर आपको शायद ग्रीन दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली में ये कलर ब्लू है, और ऊपर है पिंक कलर। कलर के मिक्स होने से थोड़ा जो ओरिजिनल कलर है वो इनका थोड़ा अलग हो जाता है। तो गाइस, प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।